How to fix a sharing violation occurred while accessing Microsoft PowerPoint problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकीराज YouTube चैनल पर. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है इस एरर को यहां पे फिक्स कर सकते हैं. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ए शेयरिंग वॉयलेशन ऑक्योर्ड वाइल एक्सेसिंग माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट. ठीक है, तो ये जो एरर है दोस्तों आपको तब देखने को मिलते हैं जब आप अपने कोई भी फाइल्स को और या फिर कोई भी प्रोजेक्ट को बार बार आप क्रिएट करके बना के उसको सेव करते हैं. मान लीजिए दोस्तों, आप यहाँ पे कुछ जो है चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं पावर पॉइंट पे और उस प्रोजेक्ट को आप एक बार सेव किया, उसके बाद दोबारा से उस प्रोजेक्ट को आपने एडिट किया, कुछ चेंजेस किया, उसके बाद दोबारा से आपने उसको सेव किया. ठीक है, बार बार सेव करते रहते हैं अगर आप, तो उसके वजह से ये एरर आ जाते हैं. ठीक है, तो ये एरर बेसिकली उसी के वजह से आते हैं. अगर आप बार बार जो है फाइल को सेव कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, काम करके आप सेव कर रहे हैं बार बार, ठीक है, तो आपको इस तरह का एरर आ जाते हैं. कैसे करके सॉल्व करना है, आइए देखते हैं इस वीडियो को. वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें. अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा. चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको फिक्स करने के लिए, ठीक है, आप यहाँ पे अपना जो फोल्डर है उसको भी चेंज करके दूसरे फोल्डर में सेव कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट एक बेसिक सा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों हमें इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ही होगा क्योंकि हमें सेव करना है मेन हमारा फोल्डर के अंदर पे. ठीक है, तो आप दोस्तों सेव एस करके दूसरे फोल्डर में भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, दूसरे फाइल में आप सेव नहीं करना चाहते, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बैक कर लेना है. ठीक है, बैक करने के बाद आपको जाना है आपके पीसी पर. ठीक है, डिस पीसी लिखा हुआ है, पीसी पर जाइए एंड आपको डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेना है. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे जाके आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो है अपना प्रोजेक्ट, ठीक है, अपना जो प्रोजेक्ट है पावर पॉइंट का, उसको सेव कर लेना है. तो आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. एंड देन दोस्तों आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज पर जाना है और एडवांस पर जाके आपको ये दो जो टिक मार्क है उसको सेलेक्ट कर लेना है. अगर आपने सेलेक्ट नहीं कर रखा है तो दोनों को सेलेक्ट करके ओके करके अप्लाई करके आपको उसे ओके कर लेना है. ठीक है, एंड देन दोस्तों आप चेक करके देखें, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम. अगर दोस्तों इस प्रॉब्लम के मदद से आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपको दोबारा से, ठीक है, वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जाइए दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स, ओके, जस्ट आप जाइए अपने पीसी के अंदर पे और डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक कीजिए, उसके प्रॉपर्टीज पर जाइए एंड आपको मिलेगा एडवांस सेटिंग. तो आप जाके यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए सेम सेटिंग सेट कर दीजिए. जैसे कि यहाँ पे टिक मार्क दिख रहा है, अगर ये इनेबल नहीं है तो इनेबल कीजिए, अगर इनेबल है तो एक बार डिसेबल करके इनेबल करके ओके करते हुए अप्लाई करके आपको ओके कर देना है. उसके बाद रिचेक करके देखिए, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम. तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए इसके बाद भी आपको जो है प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने पीसी को रिस्टार्ट कीजिए. रिस्टार्ट करने के लिए बहुत ही आसान है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है या फिर आपके विंडोज पे, उसके बाद यहाँ पे पावर बटन है नीचे में, उसमें क्लिक कीजिए और रिस्टार्ट बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जाके आप रिस्टार्ट कर लीजिए एंड देन चेकआउट करके देखिए आपका प्रॉब्लम फिक्स्ड. ठीक है, रिस्टार्ट से भी फिक्स हो जाते हैं. अगर रिस्टार्ट करने के बाद भी दोस्तों सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए. सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए दोस्तों आप यहाँ टाइप हियर यानी कि सर्च में जाइए. सर्च में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपडेट करके सर्च करना है. ठीक है, आप सिंपली अपडेट करके टाइप कीजिए UPDA अपडेट. ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा चेक फॉर अपडेट्स. तो डायरेक्टली आप चेक फॉर अपडेट्स पे शॉर्टकट तरीके से जाके अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए. पीसी का सॉफ्टवेयर जो है यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, विंडोज अपडेट. ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक कि आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई नहीं देते. जब दोस्तों अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ जाएगा
आप देख लीजिएगा अपडेट है या नहीं है। अगर अपडेट अवेलेबल है तो आपको मिलेगा अपडेट अवेलेबल, जाके डाउनलोड कर लीजिए, अवेलेबल हो जाएगा आपका अपडेट। और आई मीन अपडेट करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाय एनी चांस सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो फिर आपको क्या करना है, आप दोस्तों प्रोग्राम को एक बार अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कीजिए। प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है आपके स्टार्ट बटन पे दोबारा से, ठीक है, या फिर विंडोज़ पे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल करके सर्च करना है, ठीक है। कंट्रोल पैनल सर्च कर लीजिए एंड देन दोस्तों आपको मिलेगा इस तरह का इंटरफेस, प्रोग्राम अनइंस्टॉल है प्रोग्राम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जाके आप यहाँ से अपने पावर पॉइंट के जो प्रोग्राम है उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। अनइंस्टॉल करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, अनइंस्टॉल बटन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हुए आप अपने प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका इश्यू फिक्स्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।